असलकुम नाजरीन फायज़ा किरमानी बी एस कम्प्यूटर साइंस के कोर्स कम्प्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असम्बली लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ हाजिर है नाजरीन इसम्बली लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखने का सबसे अहम फ़ायदा इसकी फास्ट एग्जीक्यूशन है किसी भी प्रोग्राम में लूप्स एरे और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इसलिए स्ट्रिंग प्रोसेसिंग और एरे का ऑप्टिमाइज़्ड कोड लिख कर, बेहतर और एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं आज के प्रोग्राम में हम इंटेल प्रोसेसर की ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे ये इंस्ट्रक्शंस डेटा को मूव करने कंपेयर करने और स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर अमजद मौजूद हैं आइए डॉक्टर अमजद की तरफ चलते हैं शुक्रिया फाइजा नाजरीन बहुत सी कमर्शियल एप्लीकेशंस मसलन वर्ड प्रोसेसिंग और फाइल प्रोसेसिंग में हमें स्ट्रिंग्स या एरे ऑफ बाइट्स को प्रोसेस करना होता है एंटल इंस्ट्रक्शन सेट में बहुत सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को हम पांच ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं जो कि ये है पहले ग्रुप में हमारे पास मूव एस पी मूव एस डब्ल्यू और मूव एस डी हैं जो कि डेटा मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है दूसरे ग्रुप में हमारे पास कंपेयर एस पी कम्पेयर एस डब्ल्यू एंड कंपेयर एस डी इंस्ट्रक्शन शामिल हैं जो कि स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती हैं तीसरे ग्रुप में हमारे पास स्कैन एस बी स्कैन एस डब्ल्यू एंड स्कैन एस डी इंस्ट्रक्शंस हैं ये इंस्ट्रक्शंस डेटा को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं चौथे ग्रुप में हमारे पास स्टोर एस बी स्टोर एस डब्ल्यू और स्टोर एस डी इंस्ट्रक्शन शामिल हैं ये इंस्ट्रक्शन डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं आखिरी और पाँचवें ग्रुप में हमारे पास जो तीन इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें लोड एस बी लोड एस डब्ल्यू और लोड एस डी शामिल हैं ये इंस्ट्रक्शंस डेटा को मेमोरी से एकमुलेटर में मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जैसा कि आपने देखा है कि हमारे हर ग्रुप में तीन तीन इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं जैसे पहले ग्रुप में मूव एस पी मूव एस डब्ल्यू और मूव एस डी शामिल हैं मूव एस बी एक बाइट को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है जबकि मूव एस डब्ल्यू एक वर्ड या दो बाइट्स के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है इसी तरह मूव एस डी इंस्ट्रक्शन एक डबल वर्ड को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है तो जब भी आप इन इंस्ट्रक्शन इन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी एक इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना होगा डिपेंडिंग ऑन कि आप एक बाइट को मूव करना चाह रहे हैं एक वर्ड को मूव करना चाह रहे हैं या एक डबल वर्ड को मूव करना चाहते हैं ऐसे ही बाकी ग्रुप्स के इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली इस्तेमाल करेंगे आज के प्रोग्राम में हम इन में से कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको मैं ये बताता चलूँ कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में रजिस्टर एस आई और ई एस आई और रजिस्टर डी आई और ई डी आई बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जैसा कि हम अभी थोड़ी देर में इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे सबसे पहले हम ग्रुप वन की कुछ इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं इस ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शन शामिल हैं वो मूव एस बी मूव एस डब्ल्यू एंड मूव एस डी हैं मूव एस बी मूव एस डब्ल्यू एंड मूव एस डी इंस्ट्रक्शंस कॉपी डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाई ई एस आई रजिस्टर टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटी टू By EDI register. आई रजिस्टर इन इंस्ट्रक्शन के साथ आप कोई भी operand नहीं लिखते सबसे अहम चीज जो instruction इंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल के लिए है कि यह इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने से पहले आपको रजिस्टर ESI और रजिस्टर EDI की वैल्यूज को properly लोड करना होगा जैसा कि अभी हम एक example प्रोग्राम में आपको ये दिखाते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे नाजरीन इस एग्जाम्पल में हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे इस एग्जाम्पल में हम वेरिएबल सोर्स की वैल्यू को वेरिएबल टारगेट में मूव एस डी इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हुए मूव कर रहे हैं जैसा कि अभी हमने देखा कि मूव एस डी इंस्ट्रक्शन उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स जिसको रजिस्टर ई एस आई पॉइंट कर रहा होता है उस मेमोरी लोकेशन जिसको रजिस्टर ई डी आई पॉइंट करता है में मूव करती है इसलिए मूव एस डी इंस्ट्रक्शन से पहले हमने वेरिएबल सोर्स के ऑफसेट एड्रेस को रजिस्टर ई एस आई और वेरिएबल टारगेट के ऑफसेट एड्रेस को रजिस्टर ई डी आई में मूव किया है इसके बाद मूव एस डी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है मूव एस डी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद वेरिएबल सोर्स की वैल्यू वेरिएबल टारगेट में कॉपी हो जाएगी और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक जैसी होगी नाजरीन आपने अभी एग्जांपल देखी है कि जब भी आप मूव एस बी मूव एस डब्ल्यू या मूव एस डी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपने रजिस्टर ई एस आई और रजिस्टर ई डी आई को इस्तेमाल करना होता है जब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं तो ई एस आई या ई डी आई की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जाती हैं अब इन रजिस्टर की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप मूव एस पी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं तो रजिस्टर ई e एस आई और रजिस्टर ईडीआई e दोनों की वैल्यू में एक इंक्रीज या डिक्रीज होता है अगर आपने मूव एसडब्ल्यू इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है तो एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो बाइट का होगा ऐसे ही अगर आपने मूव एस टी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फोर का होगा अभी मैंने कहा है कि ई एस आई और ई डी आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ई एस आई और ई डी आई की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या वो डिक्रीज हो रही हैं एंटर प्रोसेसर में इसके लिए आप डायरेक्शन फ्लैग को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू ये डिटरमिन करती है कि इन रजिस्टर की वैल्यूज यानी ई एस आई और ई डी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो आइए देखते हैं कि डायरेक्शन फ्लैग कैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को इफेक्ट करता है द डायरेक्शन फ्लैग कंट्रोल्स द इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग ऑफ रजिस्टर ई एस आई एंड ई डी आई अगर डायरेक्शन फ्लैग दैट इज डी एफ की वैल्यू जीरो है दैन द वैल्यू ऑफ ई एस आई एंड ई डी आई विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड लेकिन अगर डी एफ की वैल्यू वन है दैन द वैल्यू ऑफ ई एस आई एंड रजिस्टर ई डी आई विल ऑटोमेटिकली बी डेक्रीमेंटिड आफ्टर द मूव स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस दी डायरेक्शन फ्लैग कैन बी एक्सप्लिसिटली चेंज यूजिंग द इंस्ट्रक्शन सी एल डी एंड एस टी डी सी एल डी इंस्ट्रक्शन विल क्लियर द डायरेक्शन फ्लैग जबकि एस टी डी इंस्ट्रक्शन विल सेट द डायरेक्शन फ्लैग इसलिए जब भी आप मूव स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करें तो उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को प्रॉपरली सेट या रीसेट किया हुआ है बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन सी एल डी एंड एस टी डी नाजरीन अगर आप स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को एक से ज़्यादा बार रिपीट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कि आप इन इंस्ट्रक्शन को लूप्स में लिख सकते हैं लेकिन इसके अलावा असम्बली लैंग्वेज में आपको इन मूव इंस्ट्रक्शंस के साथ रिपीट प्रीफिक्स भी प्रोवाइड किया गया है जिसके जरिए आप इस इंस्ट्रक्शन को एक से ज्यादा दफ़ा रिपीट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लूप आर ई पी कैन बी यूज इन विद ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर ई पी प्रिफिक्स कैन बी यूज जस्ट बिफोर दिज मूव स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन लेकिन आपने जब भी रिपीट प्रिफिक्स इस्तेमाल करना है देन यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस कितनी बार रिपीट करनी है तो जितनी दफ़ा भी आपने ये इंस्ट्रक्शन रिपीट करनी है दैट काउंट शुड बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर ई सी एक्स तो सबसे पहले आप ई सी एक्स में count की वैल्यू मूव करेंगे देन यू विल यूज वन ऑफ द मूव स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन विद द प्रीफिक्स आर ई पी और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन उतने टाइम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी ये याद रखिए कि जब भी आर ई पी प्रीफिक्स इन इंस्ट्रक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले जस्ट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द मूव स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चेक्स द वैल्यू ऑफ रजिस्टर ई सी एक्स अगर ई सी एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन देन दैट इंस्ट्रक्शन विल बी रिपीटेड अदरवाइज द कंट्रोल गोज टू द इंस्ट्रक्शन जस्ट आफ्टर योर मूव स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जैसा कि अभी हम इस एग्जाम्पल में इस चीज को डिटेल से देखते हैं नाजरीन आइए देखते हैं कि हम एक एरे के कॉन्टेंट्स को दूसरे एरे में कैसे कॉपी कर सकते हैं हमने डेटा सेगमेंट में दो एरेज सोर्स और टारगेट के नाम से डिक्लेयर किए हैं हर एरे में 20 डबल वर्ड डेटा स्टोर किया जा सकता है सोर्स एरे के कंटेंट्स को टारगेट एरे के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम रजिस्टर ई में एरे साइज मूव करते हैं उसके बाद रजिस्टर ई में सोर्स एरे के फर्स्ट एलिमेंट का ऑफसेट ऑफसेट एड्रेस मूव करने के बाद इंस्ट्रक्शन मूव एस डी विद आर ई पी प्रीफेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके नतीजे में मूव एस डी इंस्ट्रक्शन बीस दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जो कि सोर्स एरे का साइज है जिसे हमने पहले ही रजिस्टर ई सी एक्स में स्टोर किया है याद रहे कि हर मूव एस डी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर ई एस आई और रजिस्टर ई टी आई की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय फोर इस तरह सोर्स एरे के कॉन्टेंट्स टारगेट एरे की कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन में कॉपी होंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के दूसरे ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं वो स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं स्ट्रिंग कंपेरिजन के लिए जो तीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो सी एम पी एस बी सी एम पी एस डब्ल्यू और सी एम पी एस डी हैं जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं दी एम पी एस पी कंपेयर स्ट्रिंग बाइट कंपेयर स्ट्रिंग वर्ड एंड कंपेयर स्ट्रिंग डबल वर्ड इंस्ट्रक्शंस कंपेयर अ मेमोरी ऑफ पॉइंटेड टू बाय रजिस्टर ई एस आई टू ए मेमोरी ऑफ फ्रेंड Pointed to by register EDI. CMPSB instruction is used to compare two bytes stored in the memory. Cases, CMPSW, that is compare word, compares two words stored in the memory, or CMPSD instruction is used to compare two. डबल वर्ड्स स्टोर इन द मेमरी मूव इंस्ट्रक्शंस की तरह आप इन इंस्ट्रक्शन से पहले भी रपीट प्रिफिक्स यूज कर सकते हैं आमतौर पर जो रिपीट प्रिफिक्स इस्तेमाल होते हैं उसमें आर ई -E पी ई -E, जो क्या है रिपीट इक्वल और रपीट नॉट इक्वल या रपीट नॉट जीरो हैं जब आप रिपीट इक्वल प्रीफिक्स यूज करते हैं देन दे इंस्ट्रक्शन कंपेयर इंस्ट्रक्शन इज रिपीटेड वाइल जीरो फ्लैग इज सेट एंड वैल्यू ऑफ रजिस्टर ई सी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ऐसे ही जब आप रिपीट नॉट इक्वल या रिपीट नॉट ज़ीरो प्रीफिक्स कंपेयर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं

अगर सोर्स स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग से छोटी हो तो मैसेज सोर्स इज़ स्मॉलर प्रिंट होगा अदरवाइज सोर्स इज नॉट स्मॉलर प्रिंट करेगा इस प्रोग्राम में रजिस्टर ई में हमने वेरिएबल सोर्स का ऑफसेट एड्रेस और रजिस्टर ई में वेरिएबल डेस्टिनेशन का ऑफसेट एड्रेस मूव किया है रजिस्टर ई में वेरिएबल सोर्स के साइज़ को मूव किया है इंस्ट्रक्शन रिपीट इक्वल सी एम पी एस बी तब तक चलेगी जब तक सोर्स स्ट्रिंग और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की वैल्यूज़ बराबर हैं अगर सोर्स स्ट्रिंग की वैल्यू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग से बड़ी है तो जे बी सोर्स स्मॉलर एग्जीक्यूट होगी अदरवाइज इंस्ट्रक्शन मूव ई डी एक्स ऑफ सेट स्ट्रिंग टू सोर्स इज नॉट स्मॉलर एग्जीक्यूट होगी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के तीसरे ग्रुप में जो तीन इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं उसमें स्कैन एस बी स्कैन डब्ल्यू और स्कैन एस डी शामिल हैं स्कैन एस बी स्कैन एस डब्ल्यू एंड स्कैन एस डी इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू इन रजिस्टर ए एल और इन रजिस्टर ए एक्स इन रजिस्टर ई टू ए बाइट वर्ड और आ डबल वर्ड रिस्पेक्टिवली एड्रेस्ड बाय द रजिस्टर EDI. आई yani, यानी जब भी आपने किसी एक बाइट या एक वर्ड या एक डबल वर्ड को किसी स्ट्रिंग में सर्च करना हो तो आप ये इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपने जिस करेक्टर या बाइट या वर्ड को मेमोरी में एरे में सर्च करना है आप उसको रजिस्टर ए एल ए एक्स या ई ए एक्स में मूव करेंगे उसके बाद रजिस्टर ई डी आई की वैल्यू शुड पॉइंट टू तो द एरे इन विच यू वांट टू तो सर्च फॉर दैट बाइट वर्ड और डबल वर्ड और उसके बाद आप यह इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि हम अपनी अगली एग्ज़ाम्पल में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस एग्ज़ाम्पल में देखिए वी वॉन्ट टू सर्च फॉर अ लेटर एफ इन अ स्ट्रिंग विच हैज़ बीन गिवन द नेम एल्फा इसके लिए जो हमने प्रोग्राम सेगमेंट लिखा है तो देखिए सबसे पहले डेटा सेगमेंट में हमने अपनी स्ट्रिंग एल्फा डिफाइन की है जिसकी ये इनिशियल वैल्यू है एंड इट इज़ टर्मिनेटेड विद अ ज़ीरो कोड सेगमेंट में सबसे पहले हमने इस स्ट्रिंग का ऑफसेट एड्रेस मूव किया है इनटू टू द रजिस्टर ई जो करैक्टर हम सर्च करना चाह रहे हैं उस करैक्टर को हमने मूव किया है इन रजिस्टर ए एल याद रखिए कि एक करेक्टर एक बाइट में स्टोर होता है इसलिए वी आर यूजिंग द रजिस्टर ए एल उसके बाद ई सी एक्स की वैल्यू शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन विच यू वॉन्ट टू सर्च फॉर दैट करैक्टर जो कि हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू लेंथ ऑफ एल्फा को मूव किया है इन द रजिस्टर ई सी एक्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने इस्तेमाल की है दैट इज सी एल डी विच विल क्लियर द डायरेक्शन फ्लैग यानी कि ई डी आई की इनिशियल वैल्यू विल बी पॉइंटिंग टू ए और जब भी आप स्कैन एस पी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे देन वैल्यू ऑफ ई डी आई विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाई वन क्योंकि हमने सी एल डी इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया है उसके बाद स्कैन एस पी इंस्ट्रक्शन से पहले हमने जो प्रीफिक्स यूज किया है दैट इज रिपीट नॉट इक्वल इस केस में स्कैन एस पी विल कंपेयर एफ विद ए इफ इट इज नॉट इक्वल देन इट विल कंपेयर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए एल दैट इज एफ विद द नेक्स्ट करैक्टर द नेक्स्ट करैक्टर द नेक्स्ट करैक्टर अंटिल इट फाइंड अ करैक्टर

लास्ट इंस्ट्रक्शन को केयरफुली देखिए कि के वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ई डी आई क्योंकि ई डी आई शुड बी पॉइंटिंग टू द करैक्टर यू हैव फाउंड इन द स्ट्रिंग जब आपको यह करैक्टर इक्वल मिल गया था एफ एंड एफ रिमेंबर दैट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कैन इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ ई डी आई विल बी आटोमेटिकली इनक्रीज बाई वन इसलिए आपने ई की वैल्यू में से वन सब्ट्रैक करना है ताकि ई डी आई शुड पॉइंट टू द पोजिशन इन द स्ट्रिंग वेयर यू हैव फाउंड द रिक्वायर्ड करैक्टर तो आपने देखा कि स्कैन इंस्ट्रक्शंस के, के थ्रू आप स्ट्रिंग सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं आज के प्रोग्राम में हम अगली जिन इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टोर एस स्टोर एस डब्ल्यू एंड स्टोर एस डी द स्टोर एसपी, स्टोर एस डब्ल्यू एंड स्टोर एस डी इंस्ट्रक्शंस स्टोर द कॉन्टेंजिस्टर ए एल और ए एक्स और ई एक्स रिस्पेक्टिवली इन मेमरी एट द ऑफसेट पॉइंटेड टू बाई द रजिस्टर ई डी आई इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक बाइट एक वर्ड या एक डबल वर्ड किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है तो सबसे पहले आप उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रजिस्टर ई में मूव करें एंड देन द डेटा यू वांट टू स्टोर इन दैट मेमोरी लोकेशन उस डेटा को आप रजिस्टर एल एक्स या ई में मूव करें एंड देन यूज द इंस्ट्रक्शन एस टी ओ एस बी और स्टोर बाइट स्टोर वर्ड और स्टोर डबल वर्ड आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस एग्जांपल में हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है जो कि हंड्रेड बाइट लॉन्ग है और उसके इनिशियल वैल्यूज को हमने अनअलाइज छोड़ दिया है अज्यूम करें कि हम इस एग्ज़ाम्पल में अपनी एरे में एफ एफ स्टोर करना चाह रहे हैं यानी कि हर एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग शुड हैव हैवे वैल्यू एफ एफ उसके लिए सबसे पहले हमने इस स्ट्रिंग के ऑफसेट एड्रेस को रजिस्टर ई डी आई में मूव किया उसके बाद आपने क्योंकि हंड्रेड बाइट्स को मूव करना है इसके लिए हमने जो काउंट की वैल्यू है उसको रजिस्टर ई सी एक्स में मूव किया देन वी यूज़ द इंस्ट्रक्शन सी एल डी क्लियर डायरेक्शन फ्लैग ताकि ई डी आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ईच टाइम द इंस्ट्रक्शन एस टी ओ एस बी और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने यूज की है दैट इज रिपीट स्टोर स्ट्रिंग बाइट अब इसमें होगा क्या कि सबसे पहले ई डी आई इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द एरे स्टोर एस पी इंस्ट्रक्शन उसमें एफ एफ की वैल्यू स्टोर करेगी देन वैल्यू ऑफ ई डी आई विल बी आटोमेटिकली इंक्रीज बाई वन वैल्यू ऑफ ई सी एक्स विल बी डिक्रीज बाई वन और नेक्स्ट टाइम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले वी विल चेक के व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई सी एक्स अगर ई सी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है देन दिस इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर स्ट्रिंग बाइट विल बी एग्जीक्यूटेड वंस अगेन इस केस में क्योंकि अब ई डी आई इज़ पॉइंटिंग टू द सेकेंड पोजिशन ऑफ द एरे और सेकेंड पोजिशन में भी एफ एफ स्टोर हो जाएगा और इस तरीके से एफ़ एफ विल बी रिपीटली स्टोर इन वन हंड्रेड बाइट्स आफ आवर स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन तो आपने देखा है कि स्टोर स्ट्रिंग बाइट या स्टोर स्ट्रिंग वर्ड या स्टोर स्ट्रिंग डबल वर्ड को इस्तेमाल करते हुए आप कोई सा भी डेटा किसी पर्टिकुलर मेमरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं नाजरीन आज के प्रोग्राम में हमने देखा है कि इंटेल प्रोसेसर की ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं ये इंस्ट्रक्शंस डेटा को मूव स्टोर और कंपेयर करने के लिए कैसे इस्तेमाल की जाती हैं उम्मीद है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह समझ लिया होगा अब फायज़ा किरमानी और डॉक्टर अमजद को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज